हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। फाइनली एक और वीडियो, अ रोड साइड स्टैंड। पूरी वीडियो एनिमेटेड है, बहुत मज़ा आएगा आपको। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करता हूँ ये कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे पास कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर्स कम है, जिसकी वजह से मोटिवेशन नहीं मिलती यार कि और वीडियोज़ बनाओ। मेरे पास बहुत सारी वीडियोज़ पेंडिंग पड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे को आपको देने के लिए, पर कहीं ना कहीं मोरल वैल्यू डाउन होती है कि यार सब्सक्राइबर्स तो इतने हैं नहीं, तो क्यों कर रहा है इतना। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आपके आगे आने वाला जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसको बहुत अच्छा बना दूंगा। और हाँ, आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने इंस्टा ऐड दे रखी है, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं 100% आपका रिप्लाई करूँगा और आपके डाउट को सॉल्व करूँगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अ रोड साइड स्टैंड। अ लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड। रोड के किनारे सामने की तरफ एक छोटा सा घर है, जिसके बाहर एक छोटा सा एक नया सा शेड है, दुकान है। वेयर द ट्रैफिक स्पीड, ये वो जगह है जहां से ट्रैफिक बहुत स्पीड में निकल जाती है। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, ये रोड साइड स्टैंड बहुत ही दया भाव से रिक्वेस्ट कर रहा है। अब देखो यार, ये कहना सही नहीं होगा कि ये रोटी के टुकड़े के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। ना ना, ये आपसे रोटी नहीं मांग रहा, बट फॉर सम मनी, पर ये तो आपसे वो पैसा मांग रहा है, वो कैश जो शहर के फूलों को मुरझाने नहीं देता। अब यहाँ पे शहर का फूल इन द सेंस शहर के लोग, तो ये वो पैसा मांग रहा है जो शहर के फूलों को मुरझाने नहीं देता। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विद अ माइंड अहेड, ये चमचमाती जितनी भी ट्रैफिक है ना, ये बिना कुछ सोचे बिना साइड में देखे सीधा निकल जाती है, सच में। और इफ इवन अ साइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, अगर बाय चांस ये एक पल के लिए साइड में देख भी लेते हैं तो इनका दिमाग खराब हो जाता है। इनका दिमाग इसलिए खराब हो जाता है कि हमने ये आर्टलेस पेंट, हमारी ये गंदी सी दुकान इनके लैंडस्केप को खराब कर रही है। और शायद मुझे लगता है ये इसलिए भी इनका दिमाग ख़राब हो जाता है क्योंकि ये जो साइन है S और N के, ये दोनों उल्टे लगे हुए हैं। जहाँ S लगना था वहाँ N लगा हुआ है, और जहाँ N लगना था वहाँ S। यार मैं तो एक छोटी सी लकड़ी के बॉक्स में वाइल्ड बेरीज ऑफर कर रहा हूँ, और क्रूक्ड नेक गोल्डन स्क्वेयर्स विद सिल्वर वर्ड्स भी ऑफर कर रहा हूँ। ये क्या है, ये आप फोटो में देख सकते हो, ये उस फल का नाम है। और कहीं ना कहीं मैं तो एक ब्यूटी भी ऑफर कर रहा हूँ। ब्यूटी, वो कैसे? अरे यार, एक बार गाड़ी रोको तो सही, रोको और देखो ये ब्यूटीफुल माउंटेन सीन्स, एक बार देखो तो, एक बार रुको तो। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो यार तुम इतने मतलबी क्यों हो यार? और अगर सच में मतलबी हो तो एक काम करो, अपना पैसा अपने पास रखो, निकल जाओ सीधा यहाँ से, इधर मत देखो। अब लेखक कहते हैं, द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन, मेरी कंप्लेन ये नहीं है कि इन लोगों ने ये सीनरी खराब कर दी ना। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो वॉट इज अनसेड, मेरे लिए तो वो दर्द ज्यादा बड़ा है जो ये लोग कह ही नहीं पा रहे। सच में यार, इन लोगों ने शहर से इतनी दूर आके अपना छोटा सा रोड साइड स्टैंड बनाया है, किस लिए है? किस लिए? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये लोग अपने हाथों में थोड़ा सा पैसा फील कर सके। टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग एक्सपेंड, कोशिश कर रहे हैं यार ये लोग, पर अपनी लाइफ को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे। इनको वो लाइफ चाहिए जो मूविंग पिक्चर्स में होती है, जो इनको प्रॉमिस की गई थी। प्रॉमिस? किसने किया था प्रॉमिस? अरे वो है ना, पार्टी ऑफ पावर, गवर्नमेंट के लोग, उन्होंने किया था प्रॉमिस। और वही लोग कीपिंग फ्रॉम अस, इस प्रॉमिस को उनसे दूर कर रहे हैं। इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल कीन आर टू बी ब्राउट आउट एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस। अरे ये तो न्यूज में भी आया था ना कि जितने भी ये बेचारे लोग हैं इनको निकाला जाएगा, ढूंढा जाएगा और बड़े ही प्यार से इकट्ठा करके इनको गाँव में रहने के लिए छोड़ दिया जाएगा। वो गाँव जिसके बगल में थिएटर होगा, वो गांव जिसके बगल में दुकानें होंगी, अरे जहां इनको अपने बारे में ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं होगी। खैर, वाइल्ड ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिसेंट ब्रीस्ट ऑफ प्रे,
swam over their leaves enforcing benefit. अब खैर जितने भी अच्छे काम करने वाले लोग हैं ये सब लालची हैं, सबके सब लालची हैं। ये सब अपने फायदे के लिए इन बेचारे लोगों का शिकार करते हैं। ये तो इन लोगों की जिंदगी के ऊपर मंडराते रहते हैं और जबरदस्ती बेनिफिट्स देने का दिखावा करते हैं। That are calculated to suit them out of their wits. दरअसल ये सब पार्टी ऑफ पावर के लोग कैलकुलेटेड फायदा देते हैं जिससे ये बेचारे सूत हो जाएं, शांत हो जाएं और डैम आउट ऑफ देयर विट्स और ज़्यादा अपना दिमाग ना चलाएं। मतलब ये उतना ही फायदा पहुंचाते हैं जिनसे ये बेचारे थोड़े से खुश हो जाएं और कुछ भी ना कहें और फिर ये पार्टी ऑफ पावर के लोग अपनी लाइफ को आराम से जी सकें। और ये लोग सिखाते हैं कि तुम कैसे पूरा दिन सो सकते हो, आराम से बिता सकते हो। अब हमने ये सदियों से पढ़ा है और सुना भी है कि जो लोग दिन में सो जाते हैं उनकी रातें खराब हो जाती हैं। Sometimes I feel myself I can hardly bear. कई बार मुझे ये फील होता है कि मैं इस दर्द को नहीं संभाल सकता। The thought of so much childish longing in vain. मैं ये सोचता हूँ कि मेरी ये बचपने वाली चाहत है, वो चाहत जो कभी पूरी नहीं हो सकती। The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer. इनकी उदासी दिख जाती है यार उस खुली विंडो में। ये लोग पूरे दिन प्रेयर करते रहते हैं और वेट करते रहते हैं कि कोई तो रुके, कोई तो कभी तो कोई कार रुकने की आवाज आए, कभी ब्रेक लगने की आवाज आए। हजारों मतलबी कार यहां से पास हो जाती हैं बिना रुके, बिना इस तरफ देखे। अरे अरे रुको तो, देखो तो एक बारी सही, पर इन फार्मर्स से प्राइस तो पूछो। और अगर तुम रुकते भी हो तो सिर्फ और सिर्फ इन घासों को खराब करने के लिए, सच में, या फिर अपनी कार को टर्न करने के लिए। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड। और भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाएगा ये पूछने के लिए। यार फिर कुछ लोग तो ये पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास गैस होगी। अबे मैं क्या गैस बेचने वाला लगता हूँ? क्या तुम्हें यहाँ गैस दिखाई दे रहा है? मैं तो एक छोटा सा फार्मर हूँ भाई। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्वायर्ड लाइफ ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बी फाउंड। यहाँ कंट्री गांव के लोगों को बोला गया है। तो इन लोगों के पास पैसा नहीं है जिससे ये गाँव का विकास कर सके या अपनी लाइफ को अच्छा कर सके। अरे यार ये गांव के लोगों की आवाज इतनी कंप्लेंट्स कर रही है, कोई तो सुन लो। मैं खुद इतने बड़े लेवल पे इनकी हेल्प नहीं कर सकता। काश कुछ ऐसा हो जाता जिससे इन लोगों की प्रॉब्लम एक ही स्टॉक में, एक ही बारी में ठीक हो जाती और जब अगले दिन मैं होश में आऊं तो इन लोगों में से कोई एक मेरे पास आए और मुझे मेरे दर्द से रिलीफ दिलाए। मतलब कोई आए और मुझे बताए कि अब हम लोग ठीक से रहते हैं तो मुझे कितना आराम मिलेगा, मुझे मेरा ये जो दर्द है जो मैंने आपको इस पोयम में बताया है, ये दर्द मेरा एक बारी में ही ठीक हो जाएगा। यही थी पोयम द रोड साइड स्टैंड। और मैं दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई भी दिक्कत हो इंस्टा पे मुझे मैसेज कीजिए, आई विल रिप्लाई। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।